नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। इस साल गर्मियों में हालात बदतर हो सकते हैं। डेयरी पशुओं में पानी की कमी होने से इस साल दूध की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है। देश के कई राज्यों में अभी से भीषण गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। गर्मी का असर इंसानों के साथ साथ मवेशियों पर भी दिखने लगा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल भीषण गर्मी और कई बांधों के सूखने से डेयरी पशुओं को पानी की दिक्कत हो सकती है। गाय भैंस में पानी की कमी होने से उनकी दूध देने की क्षमता प्रभावित होगी। अधिक तापमान से दूध उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है। उत्पादन कम होने से इस साल दूध की कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। सुरक्षित निवेश के रूप में मांग बढ़ने के कारण सोने की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बढ़ी हुई मांग के कारण सोने के दाम भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 350 रुपये की तेजी के साथ 71,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के साथ अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। 2024 में अब तक सोने की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चांदी की कीमत भी 800 रुपये के उछाल के साथ 84,000 रुपये प्रति किलोग्राम की नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। विदेशी बाजार कॉमेक्स में सोना $2,336 प्रति औंस जबकि चांदी $27.80 प्रति औंस के पर कारोबार कर रही है। इधर फरवरी महीने में मोबाइल ग्राहकों की संख्या मासिक आधार पर 0.38% बढ़कर के 119.7 करोड़ हो गई है। ट्राई के मुताबिक फरवरी में शहरी टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 0.40% बढ़कर के 66.37 करोड़ हो गई है। इस दौरान ग्रामीण उपभोक्ता 0.34% बढ़कर के 53.13 करोड़ हो गए हैं। ब्रॉडबैंड के कल ग्राहकों की संख्या भी फरवरी के अंत में बढ़कर के 91.67 करोड़ हो गई है। ट्राई ने यह भी बताया कि फरवरी में लैंडलाइन और मोबाइल दोनों सेवा क्षेत्रों में सभी सर्कलों में ग्राहक आधार में वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक के खातों से निकासी पर तुरंत रोक लगा दी है। बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए RBI ने यह फैसला लिया। RBI ने कहा कि सोमवार का कारोबार बंद होने के बाद से ये सहकारी बैंक कोई भी नया कर्ज नहीं दे सकेगा और ना ही ये कोई नया निवेश कर पाएगा। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक की पूर्व अनुमति के बगैर बैंक को अपनी संपत्ति को ट्रांसफर या निपटान की भी अनुमति नहीं होगी। RBI ने जमाकर्ता के किसी भी खाते से राशि निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। 2 साल के बाद क्रूड ऑयल फिर $100 प्रति बैरल तक जाने की तैयारी कर रहा है। कच्चे तेल के महंगा होने से दुनिया भर में कमोडिटी की महंगाई लौटेगी। दुनिया भर में क्रूड ऑयल की डिमांड मजबूत बनी हुई है जबकि इसकी आपूर्ति लगातार कम हो रही है। ब्रेंट क्रूड ने पिछले हफ्ते $90 प्रति बैरल का स्तर पार किया जो कि अक्टूबर के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। इसके जल्द ही $100 तक पहुंचने के अनुमान बाजार में अब तैरने लगे हैं। क्रूड ऑयल में तेजी के कई कारण हैं, इनमें इसराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, मेक्सिको का क्रूड एक्सपोर्ट घटना, रूस कार्गो पर अमेरिका के प्रतिबंध और ओपेक देशों के उत्पादन घटाने के निर्णय प्रमुख रूप से शामिल हैं। भारत में औसतन CEO का वेतन 13.8 करोड़ रुपए है जो कि COVID-19 महामारी से पहले की तुलना में 40% अधिक है। डेलॉयट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय CEO के कुल वेतन का आधे से अधिक हिस्सा अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ है। CEO के कुल वेतन में वृद्धि हुई है लेकिन उनके वेतन का 50% से अधिक भुगतान जोखिम पर आधारित है। मुफ्त बिजली देने के लिए उधार लेने वाले राज्यों के कर्ज के जाल में फंसने का अब खतरा बना हुआ है। बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा है कि ऐसी लोकलुभावनी योजनाएं तभी ठीक है जब किसी राज्य के पास पर्याप्त धन हो। किसी भी दूसरी चीज़ की तरह बिजली उत्पादन की एक लागत होती है और अगर कोई राज्य इसे उपभोक्ता के एक वर्ग को मुफ्त में देता है तो ये भी सोचना चाहिए कि उत्पादन संयंत्र को भुगतान भी करना होगा। अगर उत्पादन संयंत्र को भुगतान नहीं किया गया तो बिजली उत्पादन नहीं होगा। जिन राज्यों पर पहले ही बहुत कर्ज है वो भी ऐसे लोक लुभावन उपायों का सहारा ले रहे हैं और उन्हें बिजली संयंत्रों को भुगतान करने के लिए अधिक कर्ज लेना पड़ रहा है। इसके चलते वे ऋण के जाल में फंस गए हैं। बजाज फाइनेंस ने ज्यादातर अवधि की FD पर ब्याज दर में 0.60% तक की वृद्धि की है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 25 से 35 महीने की अवधि के लिए FD पर 0.60% और 18 से 24 महीने की अवधि की जमा पर 0.40% की वृद्धि की गई है। ब्याज दर में ये वृद्धि 3 अप्रैल 2024 से प्रभावी हो चुकी है। सामान्य ग्राहकों को 25 से 35 महीने की अवधि के लिए जमा पर ब्याज 0.45% और 18 से 22 महीने की अवधि के लिए 0.40% बढ़ाया गया है। 30 से 33 महीने की अवधि की FD पर ब्याज में 0.35% की वृद्धि की गई है।
शेयर बाजार में सोमवार को तेजी देखने को मिली। इसके साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर बंद हुए हैं। विदेशी बाजारों में तेजी और एफआईएस की खरीदारी से बाजार में तेजी बनी हुई है। बीएसई इंडेक्स में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी तेजी से बाजार को समर्थन मिला है। बीएसई सेंसेक्स 494 अंक की बढ़त के साथ नए रिकॉर्ड स्तर 74,742 अंक पर बंद हुआ। एनएससी का निफ्टी भी 152 अंकों की बढ़त के साथ 22,666 अंक के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ है। ब्लैकस्टोन के निवेश वाली आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को आईपीओ के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। आईपीओ दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तावित आईपीओ के तहत 1,000 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें 4,000 करोड़ रुपए की बिक्री पेशकश भी शामिल है। आधार हाउसिंग फाइनेंस ने फरवरी में आईपीओ लाने के लिए आवेदन किया था। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल। और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को पढ़ने सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मई9 के सुपर ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और अब आप मई9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ सब पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से कहीं भी कभी भी सिर्फ मई9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉगिन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। तो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया मनी9 का ऐप तो कर लिए तुरंत डाउनलोड। और आज का मनी9 कैसा लगा ये बताइए हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझको इजाजत दीजिए। मनी9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।